हेलो एवरीवन, मेरा नाम विशाल है। 64th बीपीएससी की परीक्षा में मैंने चौथा स्थान प्राप्त किया है। इससे पहले भी मैंने सरकारी नौकरी की है। पहले मैं बैंक में था एज ए स्केल वन ऑफिसर। जब स्केल टू होने वाला था तब मैंने रिज़ाइन किया। फिर मैं एज एन ऑडिटर था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। तो मैंने ये तैयारी जो की है नौकरी करने के साथ ही की है। मुझे अलग से ऐसा कुछ नहीं था मेरे पास लग्जरी कि मैं प्रिपेयर कर पाऊँ स्पेसिफिकली फॉर सिविल सर्विसेज। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ये ना समझे कि अगर आप जॉब कर रहे हैं या सपोज दैट कि आपके पास अच्छी गाइडेंस नहीं है तो आप अकेले क्रैक नहीं कर सकते। एग्ज़ाम को क्रैक करने में नॉलेज का जितना ज़्यादा महत्व है उससे कहीं ज़्यादा है कि आपकी स्ट्रैटेजी एग्ज़ाम के के हिसाब से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ रहे हैं। योर मेन एम शुड बी टू स्कोर मार्क्स सो दैट यू कैन गेट अ गुड रैंक। ओनली नॉलेज वुड नॉट सफिस। तो इसके पहले मैं बैंक में था 4 साल तक। वहाँ पर क्या होता था कि बैंक में मैं बैलेंस नहीं कर पाता था अपने टाइम को। सो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में कमी रह जा रहा था एंड फॉर 1 or 2 marks एवरी टाइम मेरा कट ऑफ रह जा रहा था। देन आई रियलाइज कि आई शुड स्विच माई जॉब इफ़ आई रियली वॉन्ट टू बी अ सिविल सर्वेंट। फिर मैंने SSC क्रैक किया। इस बीच में मेरा SBI PO में भी 2 बार सिलेक्शन हुआ था बट स्टिल आई न्यू कि SBI PO अगर मैं ज्वाइन करता मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। सो आई हैड टू टेक अ कॉल। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जब मैं ऑडिटर था तो मंडे टू फ्राइडे वर्क आवर्स था और वर्क का प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं था जितना बैंक में था। सो आई हैड अ गुड टाइम टू प्रिपेयर एंड आई यूज्ड माय स्पेयर टाइम वेरी जुडिशियसली। सैटरडे संडे को मैं मतलब फ्राइडे शाम से लेकर मंडे सुबह तक मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल करता था। सो दैट इज़ हाउ आई केप्ट माई जॉब एंड प्रिपरेशन ऑन ट्रैक। BPSC में मेरा टेक्निकली अगर देखे तो ये 3rd अटैम्प्ट है बट ये मेरा पहला सीरियस अटैम्प्ट था बिकॉज पास 2 अटैम्प्ट्स में एक टाइम तो डिमोनेटाइजेशन था तो उस टाइम मुझे कुछ रिविजन का टाइम नहीं मिला था एंड बैंक में कुछ ना कुछ वर्क प्रेशर लगा रहता था। सो आई कुड नॉट जस्टिफाई। तो मेरा ये पहला मेंस था और मेंस का मार्क्स ठीक होने के कारण मुझे ठीक ठाक रैंक मिला। उसके बाद अब जब BPSC की आप तैयारी की सोचते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है कि कौन सी बुक्स पढ़े। सबसे पहला चीज़ यही होता है क्योंकि जब से मेरा सिलेक्शन हुआ है आई हैव बिन फ्लडेड विथ कॉल्स एंड मैसेजेस कि कौन सा किताब पढ़ना चाहिए कहाँ से पढ़ना चाहिए। बिफोर थिंकिंग अबाउट द मटेरियल यू शुड नो द सिलेबस। हमें पहले सिलेबस को देखना होगा। किताबें बहुत सी मिल जाएंगी आपको मार्केट में। शायद मुझे उतने किताबों का नाम भी नहीं पता था जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था। आप एक लिमिटेड सोर्स के साथ ही काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आपका सोर्स स्टैंडर्ड होना चाहिए। नॉट डोंट रश फॉर द बेस्ट सोर्स। मतलब बेस्ट सोर्स ढूंढते ढूंढते टाइम नहीं वेस्ट करना है हमें। एक अच्छा डिसेंट स्टैंडर्ड सोर्स हमें ले लेना है दैट विल डिस्कस इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आफ्टर डिस्कसिंग द सिलेबस एंड उसको स्टिक करना है। वी हैव टू एक्सट्रैक्ट कि हमें क्या एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट लगता है। नाउ आपको कैसे पता चलेगा कि वट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। यहाँ पर 2 चीज़ें बहुत ही खास है। एक तो आपका सिलेबस दैट विल डिस्कस नाउ एंड एक आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि एग्जामिनर जो आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज देयर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, वो एक्चुअली आप में क्या ढूंढना चाह रहे हैं। आपको सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है बट हाँ थोड़ा बहुत आपको हर कुछ का आइडिया होना चाहिए कि आप ब्लैंक नहीं हो। सपोज यू गेट अ वेरी रैंडम क्वेश्चन दैट कैन बी रैंडम फॉर एवरी वन, तो वहाँ पर आपको घबराना नहीं है। यू शुड हैव अ डिसेंट एनफ नॉलेज। थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग प्रीलिम्स के सिलेबस पे ध्यान देंगे। नाउ प्रीलिम्स का सिलेबस जो है वो बहुत इंडिकेटिव है एंड प्रीलिम्स होता है 150 मार्क्स का। 150 मार्क्स एंड प्रीलिम्स में एक चीज याद रखिए कि जब आप एग्जाम दे रहे हो यू शुड बी वेरी श्योर इन द एग्जामिनेशन हॉल इटसेल्फ दैट यू आर गोइंग टू राइट मेंस। आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए लास्ट के आधे घंटे में आपको पता होना चाहिए कि मैं मेंस लिखने वाला हूं या लिखने वाली हूं व्हाटएवर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जब बाहर आ रहे हैं तो आपको डर सा लग रहा है कि व्हाट इज द कट ऑफ। और क्या होता है जनरली स्टूडेंट्स में कि एग्जाम के बाद हम 5 से 10 अलग अलग कोचिंग के आंसर कीज निकालते हैं और फिर हम खामियां निकालते हैं पेपर्स में कि ये क्वेश्चन गलत था एंड ऑल। तो कंफर्टेबल रहने के लिए बेटर यही होगा कि एक एक्स्ट्रा एफर्ट आप लगाइए और इतना ज्यादा श्योर हो जाइए कि प्रीलिम्स के अंदर हॉल के अंदर आपको पता चल जाए कि हाँ मैं मेंस लिखने वाला हूँ। अभी क्या है कि आप इसमें बहुत सारे एरियाज हैं। पहले हम उन एरियाज को ब्रॉडली देख लें। सबसे पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है जनरल स्टडीज। पहले ये एग्जैक्टली 20 मार्क्स का आता था। लास्ट टाइम पे इन्होंने पैटर्न चेंज किया है थोड़ा, इट इज 30 नाउ। तो ये इंडिकेशन है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
दिस वॉज द जनरल साइंस, स्पेसिफिकली जनरल स्टडीज में जनरल साइंस, ठीक है, 20 मार्क्स का था और फिर अब ये 30 मार्क्स का है. तो इट कैन वेरी, इट इज नॉट दैट कि 20 का ही आएगा या 30 का ही आएगा, बट दिस एरिया इज इंपॉर्टेंट क्वाइट इनफ. सो अगर आप मान के चले कि आपका कट ऑफ अराउंड अगर 100 जा रहा है, सपोज दैट 100 प्लस 5 ही मान के चलिए, या 100 प्लस 8 भी आप मान सकते हैं फॉर अ सेफर साइड, तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमें 110 से 15 मिनिमम लाना है. नाउ बीपीएससी में एक और अच्छी बात है कि यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है. सो एटलीस्ट इतना तो आपको श्योर होना पड़ेगा कि आपको 100 क्रॉस करना है विदाउट द कैलकुलेटेड गैसिंग, जो भी है वो हम बाद में बात करेंगे कि कैसे कैलकुलेटेड गैसिंग करना है. नाउ जनरल साइंस, अब जनरल साइंस में इन्होंने साफ साफ बता दिया है कि जनरल एप्रिसिएशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस इंक्लूडिंग मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस एज मे बी एक्सपेक्टेड ऑफ अ वेल एडुकेटेड पर्सन हु हैज नॉट मेड अ स्पेशल स्टडी ऑफ एनी साइंटिफिक डिसिप्लिन. ये नॉट वर्ड बहुत खास है क्योंकि आर्ट्स और कॉमर्स वाले ये हमेशा यही सोचते हैं कि हमारा तो साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो सर हम बायो या फिजिक्स में अच्छा नहीं कर सकते. इन्होंने ये वर्ड बहुत पर्पसली लिखा है यहाँ पर, ठीक है. तो ये वर्ड पे आपको बहुत ध्यान देना होगा. एवरीडे मतलब जो साइंस में आप रोज डेली दिनचर्या में यूज होता है साइंस का, सपोज कि आपके बॉडी में कितने बोन्स है, व्हाट इज अमाउंट ऑफ ब्लड, पीएच नॉर्मल वाटर का कितना होता है, व्हाट इज बेसिक, व्हाट इज एसिडिक, इंसुलिन का आपको पूछ सकते हैं, मतलब नॉर्मल कोई भी चीज आपसे पूछ सकते हो, ग्लूकोज फ्रक्टोज एनीथिंग दे लास्ट, लिटमस क्या होता है. सो वहां पर क्या है कि आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है. साइंस का अगर आप पैटर्न देखेंगे पिछले 5 से 6 बार का, तो आपको दिखेगा कि दीज आर वन वर्ड्स, या तो आपको आता है या तो आपको नहीं आता है, ठीक है. फॉर दैट यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट और आपको काफी लंबा एरिया कवर करना होगा. फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो, इसमें आपको बहुत ज्यादा डिटेल में साइंटिफिकली नहीं पढ़ना है कि मुझे सब कुछ रटना है, सबका फॉर्मूला मुझे चाहिए, सबका डेप्थ. आपको जो भी चीजें दी हुई हैं किताब में उससे आपको यह निकालना है कि हमारे डेली लाइफ में क्या एप्लीकेशन होता है, ठीक है. सपोज दैट जिप्सम इज यूज, जब आपको ऑर्थो वाले जिप्सम यूज करते हैं जब वो प्लास्टर लगाते हैं इन केस ऑफ एनी फ्रैक्चर्स, तो ये छोटी छोटी चीजें ही ये पूछते हैं, आपसे बहुत बड़ा कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है. तो जनरल साइंस का ये हो गया. उसके बाद आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है करंट इवेंट्स. अब करंट का बहुत ज्यादा वेग है क्योंकि करंट के लिए कोई स्टैंडर्ड किताब ही नहीं मिलेगा आपको, यू डोंट नो कहां से आपको पढ़ना है. देयर आर मेनी सोर्सेज, नो सोर्स इज गुड और नो सोर्स इज बैड, ओनली थिंग इज दैट सोर्स शुड बी रेलेवेंट टू द क्वेश्चन. जो पूछा जा रहा है आपसे वो रेलेवेंट है या नहीं. तो इसमें भी आप अगर ध्यान से देखें तो अराउंड 35 मार्क्स इजीली एंड दिस वन वाज 30. तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ दो टॉपिक्स अभी हम बात कर रहे हैं और इसमें ही आपको एटलीस्ट 60 to 65 आराम से. तो आपका जो कट ऑफ है अराउंड आप समझ लीजिए 100-105 जो भी है, मोर देन हाफ आप अगर ये दोनों अच्छे से कर लेंगे इट इज डन, ठीक है. अब करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में भी आप अगर देखेंगे ध्यान से, मैंने देखा है कि लोग बहुत मगअप करते हैं और बाकी स्टेट के और भी एग्जाम्स होते हैं या रेलवेज या बैंकिंग, बीपीएससी का करंट अफेयर्स बिल्कुल अलग है, यूपीएससी से भी अलग है. बिकॉज यूपीएससी में क्या करते हैं वो एनालाइज करते हैं, आपका अंडरस्टैंडिंग पूछते हैं. यहां पर भी वन वर्ड है, जैसे मैंने बताया था ना साइंस में कि वन वर्ड है, तो यहां का करंट अफेयर्स में भी वन वर्ड है, आइदर यू नो और यू डोंट नो, ठीक है. और ये बहुत ज्यादा अगर आप देखेंगे करंट अफेयर्स में तो ये स्टेट स्पेसिफिक पूछते हैं. सपोज कहीं कोई इनिशिएटिव हुआ, कहीं कुछ नया हुआ, उस पूरे एक साल के मतलब सपोज लास्ट जो प्रीलिम्स है से लेके इस वाले प्रीलिम्स के एक महीने पहले तक का आप अगर कवर करेंगे डिसेंट इनफ है. बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर कितना पढ़ना चाहिए हमें करंट अफेयर्स, बिकॉज करंट अफेयर्स कैन बी एनीथिंग, एक महीना भी हो सकता है, एक साल भी हो सकता है. बट अगर हम देखें इनका जो ट्रेंड है तो आप एक साल मान के चलिए, एंड एक साल का करंट अफेयर्स ड्यूएबल है. करंट अफेयर्स आपको क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टफ नहीं आएंगे, क्वेश्चन टफ नहीं होता एक्चुअली में. अगर आप प्रीलिम्स में देखें नो क्वेश्चन इज टफ, आपको ऑप्शंस ऐसे बना दिए जाते हैं कि आपको क्वेश्चन टफ लगता है. सो ऑप्शंस बहुत ज्यादा क्लोज रखने से क्या होता है, क्वेश्चन वही क्वेश्चन आपको टफ लग जाता है. अगर ऑप्शंस बहुत ज्यादा इजी रहते कि आप ऑप्शंस को देख के ही बता पाएंगे कि व्हाट इज आंसर, देन आपको लगेगा कि क्वेश्चन इज इजी. बट विद द सेम क्वेश्चन इफ यू चेंज द ऑप्शंस तब आपको लगेगा कि नहीं ये क्वेश्चन टफ है. सो फॉर दैट करंट इवेंट्स ऑल्सो यू हैव टू डू वेरी टारगेटेड स्टडी. ये नहीं कि आपको सब कुछ पढ़ना है. सपोज दैट
बहुत सारे करंट अफेयर्स के मॉड्यूल या मैगजीन्स आते हैं, उसमें बैंकिंग का बहुत कुछ दिया हुआ रहता है। सो बैंकिंग का आप देखो अगर ध्यान से, तो बीपीएससी में नहीं पूछते वो बैंकिंग में बहुत ज़्यादा। बहुत लोग मैं देखता हूँ कि कंट्री के कैपिटल्स, करेंसी, ये सब मगअप कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मगअप कर रहे हैं। ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बीपीएससी डजंट आस्क। बीपीएससी आपसे स्टेट स्पेसिफिक पूछेगी और क्या पढ़ना है ये आपको क्वेश्चन पेपर से अच्छा कोई नहीं बता सकेगा। सो प्लीज़ एनालाइज योरसेल्फ कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है। एक चार्ट बना लीजिए आप, और उस चार्ट में आप देखिए कि स्टेट से कितना पूछा है, इकोनॉमी से कितना पूछा है, बजट से कितना पूछा है, डिफेंस से कितना पूछा है, इंटरनेशनल अफेयर्स से कितना पूछा है, तो आपको पता चलेगा कि करंट अफेयर्स में भी एक ट्रेंड है। एंड ये ट्रेंड आपको कहीं किसी किताब में नहीं मिलेगा लिखा हुआ कि दिस इज द ट्रेंड ऑफ बीपीएससी। एंड इनफैक्ट आपको खुद से डिसिफर करना होगा। ये हो गया करंट अफेयर्स। नाउ जनरल ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफिकल डिविजन ऑफ बिहार एंड इट्स मेजर रिवर सिस्टम्स। सो बिहार की जो मेजर रिवर्स है, सी आई यूज टू स्टडी विथ मैप्स ज्योग्राफी करंट अफेयर्स, आई विल डिस्कस लेटर ऑन हाउ टू डू, बट आई यूज टू डू इट विथ मैप्स बिकॉज पिक्टोग्राफिक जब आप देखते हैं तो आपको बहुत ज्यादा याद रहता है, आपके दिमाग में वो छप जाता है, बस रहते कि जब आप पढ़ रहे हो वर्ड्स को। नाउ रिवर सिस्टम्स, बिहार का एक पॉलिटिकल मैप लीजिए, ड्रॉ ऑल द रिवर्स, नेम दैम, सारे ट्रिब्यूटरीज और जो भी उनके बैंक्स पे कुछ मेजर सिटी या कुछ है, और आप देखिएगा कि सारा जो बिहार का मेजर रिवर सिस्टम है एक मैप में आपके सामने होगा। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने फ्री टाइम पे मेहनत करके एक मैप अच्छे से तैयार कर लीजिए एंड यू रेफर टू उसको रेफर करिए, ठीक है, तो आपका रिवर सिस्टम्स हो जाएगा। बिहार की ज्योग्राफी, बिहार का जो क्लाइमेट है, हर कुछ आप मैप से कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ सॉइल, ठीक है, आपका कहाँ क्या एग्रीकल्चर है, माइनिंग में क्या है, कॉमर्स में क्या है, इंडस्ट्री, सारा कुछ मैप से करिए। तो अराउंड 5 to 6 or 7 मैप्स जो भी है, अराउंड 8 मैप्स में भी, तो आपका सारा ज्योग्राफी उसमें कवर हो जाएगा बिहार का स्पेशली। और जनरल ज्योग्राफी में भी आप अगर ध्यान से देखेंगे तो वन लाइनर्स ही ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं ज्योग्राफी में, क्योंकि बहुत लोगों का पूछना था कि सर ज्योग्राफी कहाँ से पढ़े, ऑप्शनल वाले तो ज्योग्राफी में, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा ऑप्शन ज्योग्राफी नहीं था, बट स्टिल आई डिड गुड। तो आपको ना बहुत ज्यादा ज्योग्राफी में इसलिए डेप्थ में नहीं पढ़ना हो क्योंकि इसका वेटेज भी कम है, ज्योग्राफी का वेटेज आई थिंक सो इट्स अराउंड मे बी 15 or 10 अप्रॉक्स, वेरी करता रहता है, यू कैन नॉट टेल। इंडियन पॉलिटी 10 से 12, अगर आप सिविल सर्वेंट बनना चाह रहे हैं तो इंडियन पॉलिटी का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए एंड उसके लिए स्टैंडर्ड बुक्स आपको पता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको डेप्थ में नहीं पढ़ना है, बहुत ज़्यादा एनालाइज नहीं करना है प्री के लिए। 10 to 12 क्वेश्चंस डुएबल है, अगर आप बेसिक रीडिंग अच्छे से कर रहे हैं, पॉलिटी की रिवाइज कर रहे हैं, आप सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता। नाउ कमिंग टू इकॉनमी, इकॉनमी में आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडियन इकॉनमी का टाइमलाइन, राइट फ्रॉम द प्री इंडिपेंडेंस, कि आरबीआई कब बना, कैसे बना, उसके बाद आफ्टर 1947 क्या रहा, कैसे कैसे नेशनलाइजेशन हुआ, नाबार्ड, ये सब कैसे कैसे बना, सेबी कब आया, लिबरलाइजेशन कब हुआ, लिबरलाइजेशन के बाद क्या हुआ इंक्लूडिंग जीएसटी, मतलब पूरा टाइमलाइन आपको पता होना चाहिए। सो बेस्ट वे है कि आप एक बड़ा सा चार्ट बना लीजिए फॉर इकॉनमी एंड वहां पर आप क्या करिए कि आप एक पूरा टाइमलाइन बना लीजिए, ठीक है, जो मेजर जो भी हुआ है इकॉनमी में मेजर डिसीजंस, और फिर वहां से लिंक करिए कि वहां कोई बॉडी बनी क्या, कोई बैंक बना क्या, कोई ओवरसीइंग बॉडी हुई क्या, उसके बारे में आप पढ़िए एंड देन यू विल सी कि आपको पूरा सब कुछ पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि ये डिसीजन क्यों लिया गया। जीएसटी ऑल ऑफ ए सडन तो नहीं आया, 1991 में जो लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स हुआ वो ऑल ऑफ ए सडन नहीं आया, क्यों आया, क्राइसिस हुआ, क्राइसिस क्यों हुआ, ग्रीन रिवोल्यूशन क्यों हुआ, ग्रीन रिवोल्यूशन से क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, तो आपको एक पूरा पिक्चर इकॉनमी अपना बिल्कुल इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़िए, तभी फायदा हुआ। यू कैन नॉट मग आपकी इकॉनमी में मैंने डेटा पढ़ लिया और मैं जाके एग्जाम में अच्छे से इकॉनमी, ऐसा नहीं होने वाला। आपको इकॉनमी इनफैक्ट GS2 में भी बहुत फायदा होगा जब आप मेंस देंगे, तो इकॉनमी को ऐसा पढ़िए कि आपका जो प्रीलिम्स में पढ़ा हुआ है वो मेंस में काम आए, मेंस में अलग से आपको फिर डेप्थ में नहीं पढ़ना पड़े। नाउ दिस वाज इकॉनमी एंड ऑल्सो मेजर चेंजेस इन द इकॉनमी ऑफ बिहार इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। नाउ बिहार की इकॉनमी से बेसिकली क्या है आपको देखना है कि बिहार का क्या था स्टेट GDP, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था इंडिया में, बिहार में मेजर जो है क्या है, एग्री बेस्ड है या इंडस्ट्री है या सर्विस सेक्टर बेस्ड है। तो इसके लिए आपको जो करंट में भी कुछ पूछ सकते हैं इकॉनमी में, सपोज दैट आपको बिहार का जो बजट है, ठीक है, और सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे, वो आपको उसका एक जिस्ट बनाना होगा, उसका थोड़ा मोटा डेटा पूछ सकते हैं। बिहार अगर आप इकॉनमी की बात कर रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ की जो मेजर स्कीम्स है उसमें सरकार हर साल कितना बजट एलोकेट करती है, कौन से स्कीम में कितना खर्च हुआ, किसने, मतलब
गवर्नमेंट का जो हाईलाइट स्कीम्स रहता है वही, अब सारे स्कीम्स आपको मेमोराइज करना पॉसिबल नहीं है, बट जो मेन स्कीम्स है किसमें कितना एलोकेट हुआ है ये आप कर सकते हैं इससे, ठीक है। नाउ कमिंग टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड पार्ट प्लेड बाय बिहार, ठीक है। इंडियन नेशनल मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे काफी क्वेश्चन आते हैं आई थिंक सो। अगर आप सिर्फ हिस्ट्री देखेंगे हिस्ट्री में अराउंड 25-30 क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे। नाउ इसमें हिस्ट्री में क्या है कि अब मॉडर्न पढ़ना है या मिडिवल पढ़ना है या आपको एंशियंट पढ़ना है। सो बिहार की अगर बात करें तो एंशियंट भी है यहाँ पर, मिडिवल भी ठीक ठाक है और मॉडर्न तो है ही है। तो हिस्ट्री में आप सेग्रीगेट मत करिए कि मैं मॉडर्न करके चला जाता हूँ एंशियंट नहीं करता हूँ, बिकॉज एंशियंट में बहुत ज़्यादा नहीं है आपको पढ़ने को। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे कनेक्ट करके एंशियंट में भी आप मैप्स का यूज़ करिए, जितने भी हिस्टोरिकल साइट्स हैं एक मैप बना लीजिए, आपको आसानी से याद रहेगा। और मैप में लिख लीजिए रिलेटेड कि इसके किंगडम में हुआ था, टाइमलाइन लिख लीजिए या कौन सा किंग है, आपको याद रहेगा। उससे क्या है कि चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद रहेंगी। इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो भी इंपॉर्टेंट है, सपोज जब से कांग्रेस बनी, ठीक है, उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये सारा जो भी है हर किसी का आप एक लू शीट, मैं क्या करता था कोई भी टॉपिक है कोई मेजर टॉपिक, आप एक A4 शीट लीजिए और उसमें सारी बातें आप लिख दीजिए छोटे छोटे करके, ताकि आपको अगर उस टॉपिक को रिवाइज करना है 360 डिग्री आप सब कुछ रिवाइज कर सके। सो दैट वाज माय स्टाइल। और ये क्या है ना, लूज शीट्स आप कैरी कर सकते हैं आराम से। अगर आप कॉपी में बहुत बड़े बड़े नोट्स बनाएंगे तो लास्ट डे में रिविजन, अल्टीमेटली सिविल्स में रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो भी मटेरियल होना चाहिए बहुत शॉर्ट, क्रिस्प और स्मार्ट होना चाहिए कि कम पेजेस में आपने ज्यादा डेटा और इफेक्टिव डेटा आपने लिखा है। सो जितने भी मेजर हैपनिंग्स थे इंडियन नेशनल मूवमेंट में वो आप नोट डाउन कर लेंगे, आप उसको याद कर सकते हैं। याद अगर आप उसको हमेशा पढ़ रहे हैं तो ऐसे ही याद हो जाएगा, अलग से कोई एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत आपको याद करना पड़ेगा। और हर किसी इवेंट में बिहार का कॉन्ट्रीब्यूशन, क्विट इंडिया में क्या हुआ था, सिविल के टाइम पे क्या हुआ था, पार्टीशन के टाइम पे क्या हुआ था, 1917 में जब गांधी जी आए थे उस समय क्या हुआ था, तो बिहार का भी जो डेटा है आप उसी में साइड साइड लिख लीजिए। बिहार में प्रॉब्लम क्या होता है कि आपको बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो आपने सुना नहीं होगा, प्रिपरेशन के टाइम पे आपको पता चले। सो राइट दोज नेम्स, किनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, कुछ मेजर था तो वो लिख लीजिए। तो वो क्या है कि जब आप उस इवेंट को पढ़ेंगे, सपोज कि मैं क्विट इंडिया पढ़ रहा हूँ, तो क्विट इंडिया में क्या चल रहा था, और साथ में आपको वो पिक्चर क्लियर होगा, आप रिलेट कर पाएंगे कि बिहार में भी क्या चल रहा है, ठीक है। जनरल साइंस की हमने बात कर ली थी, जनरल अप्रिशिएशन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इन हिस्ट्री एम्फेसिस विल बी ऑन द ब्रॉड जनरल अंडरस्टैंडिंग, ब्रॉड जनरल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ऑफ द सब्जेक्ट इन सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स। कैसे पता चलेगा आपको, सोशल में तो जितने भी सोशल मूवमेंट्स से रिलेटेड टू वुमेन, रिलेटेड टू ट्राइबल रिवोल्ट, जो भी थे सोसाइटी में क्या हो रहा था उस समय, मनी लेंडर्स के कारण क्या होता था, इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों हो रहा था, कैसे एक्सप्लॉइट हो रहा था हमारा इकॉनमी, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1909 वाला एक्ट, 1919, सारे एक्ट्स आपको, एक्ट्स का भी मैं बता दे रहा हूँ कि एक्ट्स का आप एक चार्ट बना लीजिए स्टार्टिंग फ्रॉम द चार्टर एक्ट से लेकर 1947 तक। तो सारे एक्ट्स को आप लिख लीजिए एक ही पेज में, एंड छोटा छोटा करके लिखिए कि एक पेज में आ जाए वो, और हर एक्ट में क्या क्या मेजर डिसीजन रहा वो आप लिखिए, तो आप कंपेयर कर पाइएगा कि कैसे ग्रेजुअली वो लोग क्या चाह रहे थे। आफ्टर 1857 रिवोल्ट क्या हुआ था, क्राउन रूल कैसे टेक ओवर कर लिया कंपनी को, ठीक है। तो ये सारी चीज जब आप कंपेयर करेंगे ना, कंपेरेटिव स्टडी में आपको क्या है कि याद रहेगा। अगर आप इन पार्ट्स पढ़ेंगे, सपोज कि आप कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ रहे हैं 1935, ठीक है, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइन पढ़ रहे हैं, अलग से पढ़ रहे हैं, कभी आप चार्टर एक्ट पढ़ रहे हैं, तो आप अगर अलग अलग पढ़ रहे हैं तो आप रिलेट नहीं कर पाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि CDM क्यों हुआ था, ठीक है, गांधी 11 पॉइंट्स क्या था। तो आपको सब कुछ रिलेट करके पढ़ना है और एक फ्लो में आना चाहिए कि आपको पता चलना चाहिए पूरा कहानी कि सपोज 1857 से रिवोल्ट चालू हुआ, 1947 तक क्या पिक्चर था, स्पेशली बिहार में क्या हो रहा था, ठीक है। तो ये हो गया हिस्ट्री का। इन ज्योग्राफी एम्फेसिस विल बी ऑन द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड बिहार, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चंस ऑन द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड बिहार विल रिलेट टू फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी।
सो फिजिकल का मैंने बताया है, सॉइल्स, माउंटेन रेंजेस, रिवर्स, आप मैप्स का यूज करें, ठीक है। सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप सेंसस का डेटा ले लें, इंडिया में कहाँ क्या है, सक्सेस रेशियो क्या है, लिटरेसी क्या है, और बिहार का। नाउ फिर यहाँ पर मैप का यूज होगा, आप बिहार का सेंसस उठाइए और उसमें एक मैप में बना दीजिए कि कहाँ पर लिटरेसी हाईएस्ट है, कहाँ पर लिटरेसी लोएस्ट है, सेक्स रेशियो कहाँ ज़्यादा है, एरिया वाइज कहाँ ज़्यादा है, डेंसिटी कहाँ है सबसे ज़्यादा, सबसे कम कहाँ पे है, पॉपुलेशन ओवरऑल सबसे ज़्यादा कहाँ है, सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ है, और एक ही आप देखेंगे एक ही मैप में आपने पूरा सेंसस कर लिया। एंड दैट इज़ अ वेरी स्मार्ट वे टू डिस्पाइट मगिंग अप, अगर आप मगअप कर सकते हैं इट इज़ गुड, आई वॉज नॉट वेरी गुड एट मगिंग अप, सो आई फाउंड अ बेटर वे कि मैं मैप से तैयारी करूँ। एंड मैप से जब आप रिवाइज करेंगे ना, एक मैप में काफ़ी डेटा आ जाता है, दैट विल रियली हेल्प, क्योंकि प्रीलिम्स के एक रात पहले बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, चाहे कोई भी हो, इनफैक्ट इंक्लूडिंग टॉपर्स दे कैन नॉट से कि मैं प्रीलिम्स के पहले बहुत श्योर था, नोबडी इज वेरी श्योर अबाउट प्रीलिम्स, एंड स्पेशली अगर 150 में आपको 110 115 कट ऑफ जा रहा है, यू कैन इमेजिन द परसेंटेज, इट इज अराउंड 70%। क्वेश्चंस ऑन द इंडियन पॉलिटी एंड इकॉनमी विल टेस्ट नॉलेज ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड प्लानिंग इन इंडिया एंड बिहार, हर सेंटेंस में इन्होंने बिहार ऐड किया है, दैट मींस जो भी चीज़ आप पैन इंडिया पढ़ रहे हैं, बीट इकॉनमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एनीथिंग, उसमें आपको ये ज़रूर देखना है कि रिलेटिंग टू दिस बिहार में क्या चल रहा था, बिहार में क्या हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन ऑन द इंडियन नेशनल मूवमेंट विल रिलेट टू द नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ द 19th century resurgence, growth of nationalism and attainment of independence, and candidates will be expected to answer on the role of Bihar. So, इन्होंने अलग से लिखा है यहाँ पर role of Bihar in the freedom movement of India. So, जब भी मैंने बताया यहाँ पर जो भी हमने discuss किया था non-cooperation, civil disobedience, quit India, यहाँ पे हर जगह आपको जब भी आप कुछ लिख रहे हैं pan India में क्या हो रहा था, बिहार का especially आपको एक एक data लिखना है। So, overall आपको पता चल गया है कि क्या क्या कैसे कैसे आ रहा है। Now, polity का बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं रहता, अराउंड मे बी मैक्स टू मैक्स 15 और इट्स 12 ओनली, ठीक है। सो मेजर एरियाज अगर आप देखें, मुझसे पूछा जाए कि प्री में क्या क्या है, सो मेजर एरिया तो जनरल साइंस जरूर है, करंट अफेयर्स है, और एक चीज़ है जो कि बहुत छोटा सा इन्होंने लिखा है बट बहुत वाइटल है, मैंने इसको लास्ट में इसलिए रखा था क्योंकि बहुत लोग छोड़ देते हैं इसको, वो सोचते हैं कि नहीं चलो 140 का ही पेपर है, हमारा मैथ्स अच्छा नहीं, विल नॉट डू इट। क्वेश्चंस ऑन जनरल मेंटल एबिलिटी, ये 10 है, कोई गारंटी नहीं है, 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, जैसे साइंस 20 से 30 हो गया, ठीक है। सो अभी हम इसको 10 मान के चलते हैं। मेरा ये सिंपल सा था कि मैं सबसे पहले ये करता था क्योंकि इसमें टाइम कम लगता है, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो दे टेल यू टू चेक कि क्वेश्चन ठीक है कि नहीं, देख लो प्रिंटेड है कि नहीं, तो उस टाइम आप क्वेश्चन देख रहे हैं ना, तो ये मैथ्स वाला क्वेश्चन जरूर देखिए आप। मैं क्या करता था कि मेरा थोड़ा सा मतलब एज था मैथ्स में, तो आई कुड सॉल्व इट मेंटली ऑल्सो, मतलब अगर मैं देख लूंगा कि क्वेश्चन है तो थोड़ा बहुत तो मेंटली मैं बना लेता था। सो वहां पर आपको एक दो क्वेश्चन का तो एज मिल ही जाएगा। और क्वेश्चंस ऑन जनरल मेंटल एबिलिटी में आपको बहुत ज्यादा कैलकुलस और ये बहुत ज्यादा एडवांस वो नहीं पूछते, वो बेसिकली रेशियोज के बारे में पूछते हैं, परसेंटेज है, वर्क टाइम फॉर्मूला, स्पीड डिस्टेंस, एकदम नॉर्मल सा, या पाई चार्ट दे देंगे, नॉर्मल सी ज्योमेट्री दे देंगे, नॉर्मल सा ट्रिगो होगा, इतना बेसिक जो आप 10th में पढ़ते हैं, मैं 12th भी नहीं बोलूंगा, 10th लेवल का ही देते हैं। बस यहां पर क्या है कि स्पीड और एक्यूरेसी दो चीजें चाहिए मैथ्स में। तो प्री में क्या है कि ये 10 नंबर जो है ना, ये आपका छूटना नहीं चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने देखा है आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले वो पहले से मान के चलते हैं कि 10 में से तो बनेगा ही नहीं, अराउंड 4 or 5 बनेगा, तो वहीं पर आप 6 नंबर पीछे हो गए। एंड जब आपका कट ऑफ नहीं क्लियर होता है ना, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा मार्जिन होता है फ्रॉम द सेलेक्टेड वंस और नॉन सेलेक्टेड, बहुत छोटा मार्जिन होता है, और ये छोटी छोटी चीज़ें ही मिलके वो मार्जिन को कंप्लीट करेंगी। सो कोई भी सेक्शन हमें छोड़ना नहीं है, ठीक है। मैं बहुतों को देखता हूँ कि ज्योग्राफी छोड़ देते हैं कि ज्योग्राफी तो ऐसे ही आता है, बट अगर आप अच्छे से उसको पढ़ लें, थोड़ा कम टाइम ही दें, तो आप कम से कम 50% क्वेश्चन तो बना सकेंगे। हमें ऐसा नहीं है कि 150 में 150 लाना है, ठीक है, हमें बस कट ऑफ को क्रॉस करना है। सपोज द कट ऑफ इज अप टू हेयर, ये कट ऑफ है, ठीक है, यहां पर नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे यहां पर सारे, ठीक है, यहां पे सेलेक्टेड कैंडिडेट है, यहां पे सेलेक्टेड है, यहां पे सेलेक्टेड है, दे हैव क्रॉस्ड इट,
Now I mean to say that कि someone who is bringing 140, someone is getting 115 or 120. प्री के बाद all these are on the same platform. सबको अब फिर से mains लिखना है और प्री का नंबर जुटने वाला नहीं है, ठीक है? बट अगर आप ज्यादा नंबर ला रहे हैं ना, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट इन द एग्जाम एंड कॉन्फिडेंस का ही खेल है पूरा एग्जाम. इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट नॉलेज. नॉलेज एक बेयर मिनिमम नॉलेज आपको चाहिए, दैट यू विल गेन. आप जहां भी सेल्फ स्टडी कर रहे हो, समवन इज गाइडिंग यू, कोचिंग में पढ़ रहे हो, व्हाट एवर यू आर डूइंग, ठीक है? बट नॉलेज से ज्यादा आपको स्मार्टली काम करना होगा एंड कॉन्फिडेंस. एग्जाम में कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस कहां लूज होता है? प्री में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस लूज होता है ऑप्शन ई. ये ऑप्शन बहुत ज्यादा, पता नहीं, बहुत लोगों को तकलीफ होती है, मुझे खुद तकलीफ हुई थी कि ऑप्शन ई में क्या है कि आप कैसे, सब पूछते हैं कि सर ऑप्शन ई का क्या करें, पता तो रहता है बट पांच छह क्वेश्चंस ऐसे गलत हो जाते हैं बिकॉज ऑप्शन ई हमें कंफ्यूज करता है. सो आपको कैसे पता चलेगा कि ऑप्शन ई, एंड ऑप्शन ई में आपको कैलकुलेटेड गेस भी लेना होता है. नाउ जब आप कैलकुलेटेड गेस की बात करें, कोई भी एग्जाम का एस्पिरेंट ये नहीं बोल सकता कि मुझे इतने क्वेश्चंस पता थे, मैंने इतने एग्जैक्ट सही किए और बाकी मैंने छोड़ दिया. नहीं, आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस में तो गेस करना ही पड़ेगा बिकॉज एग्जैक्ट इतना सारा डेटा पूरा सिलेबस का याद रखना पॉसिबल नहीं है. बट अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो थोड़ा बहुत आप मेकआउट कर लोगे. सो सपोज यू हैव 4-5 ऑप्शंस किसी भी क्वेश्चन में एंड यू आर वेरी श्योर कि ये दो ऑप्शंस नहीं हो सकते, तो एटलीस्ट यू कैन टेक अ कैलकुलेटेड गेस इन दीज 3 ऑप्शंस, ठीक है? आपका प्रोबेबिलिटी क्या है अगर आप 5 ऑप्शंस में किसी को भी एक चूज कर रहे हैं? 20%. बट इफ यू गो आफ्टर दिस, योर प्रोबेबिलिटी इंक्रीजेस टू 33%, ठीक है? एंड इफ समहाउ, कभी कभी क्या होता है एग्जाम में, मैं बता रहा हूं ये, मतलब एक्सपीरियंस से बता रहा हूं मैं, कि कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है, ठीक है, बट रिलेटेड टू दैट क्वेश्चन कहीं और किसी क्वेश्चन में आपने ऑप्शन देखा और आपको फिर याद आ जाता है कि इसको मैं यूज कर सकता हूं उस वाले क्वेश्चन में. तो एक पहला क्वेश्चन है आपको नहीं आता है, बट वेन यू गो टू 40 और 50 आपको लगेगा कि ये तो मुझे आता है, और वहां से कुछ डेटा आपको दिखता है जिससे आपको याद आता है कि मैं पहला कर सकता हूं. सो दैट इज हाउ यू वर्क स्मार्टली. इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट नॉलेज. नाउ 150 मार्क्स का पेपर था अपना. हाउ मेनी क्वेश्चंस यू शुड अटेम्प्ट? बाय डिफॉल्ट यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है? ये बात मैक्सिमम लोग जानते हैं. नाउ व्हाई डिड आई डिस्कस दिस? अटेम्प्टिंग ऑल डजंट मीन attempting all in any random way. You should know how to take a calculated guess. पहले आप वही questions करेंगे जिसमें आप बहुत ज्यादा sure हैं, 100% sure वाले questions करेंगे आप. Have a count, और जब आप पहली बार करेंगे आपका speed काफी ज्यादा होना चाहिए because you have to be very sure. And I suggest that science and मैथ्स ये आप पहले करिए बिकॉज ना ये बहुत स्कोरिंग होता है. अगर आपने अच्छे से किया है यू विल स्कोर. और क्या होता है कि 30 and 10 अराउंड 40 जब आप स्कोर कर लेते हैं, ठीक है, पहले आधे घंटे अराउंड 20 मिनट्स या 25 मिनट्स जो भी आपको लगता है, कॉन्फिडेंस लेवल इज वेरी हाई. एंड वेन योर कॉन्फिडेंस इज हाई आप बहुत अच्छे से चीजों को रिकॉल कर पाएंगे. बिकॉज रिकॉल कहाँ करना है आपको? हिस्ट्री में रिकॉल करना है, इकॉनमी, ज्योग्राफी, बिहार एंड स्पेशली करंट अफेयर्स. बिकॉज करंट अफेयर्स इज वेरी वेरी कंफ्यूजिंग due to options, not due to the question. So the options are very confusing, in especially in current affairs. Now how to do? अब options का क्या है? यहाँ पर आपका आता है mocks. That we'll discuss in the orientation video. So mocks कैसे use करना है? Current affairs कहाँ से करना है? How to read static books? Notes कैसे बनाना है? Newspaper कैसे पढ़ना है? न्यूज़पेपर का यूज कैसे लेना है, कितना टाइम डिवोट करना है, हाउ टू चूज एन ऑप्शन, एवरीथिंग, हर छोटी चीज हम डिस्कस करेंगे इन द ओरिएंटेशन वीडियो. प्रीलिम्स का आप बस इतना जान लीजिए कि प्रीलिम्स में इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस. अगर आपको लगता है कि वो ऑप्शन है एंड यू आर वेरी श्योर, तो वो ऑप्शन सही रहेगा बिकॉज वहां पर उनका काम है ऑप्शन से आपको कंफ्यूज करना. नो प्रीलिम्स का अगर आप सब्जेक्ट वाइज देखें तो जनरल साइंस में मैंने आपको बताया था अभी 30 हो गए मार्क्स, कीप्स चेंजिंग, कभी 20-30 डिपेंड्स, वो 25 भी कर सकते हैं. करंट इवेंट्स अराउंड 35. ज्योग्राफी एक अप्रॉक्सीमेटली आप 20 रख लीजिए. पॉलिटी 12-15.
इंडियन नेशनल मूवमेंट मतलब हिस्ट्री का जो पूरा पार्ट है, अगर आप उसको एक साथ देखें तो आप इसको 35 रख सकते हैं इजीली। बिहार रिलेटेड एंशियंट है, मॉडर्न है, मिडिवल है। मैथ्स का मैंने बताया था एग्जैक्ट 10 आ रहा है, ये तो मतलब छोड़ना ही नहीं है। अगर इफ यू आर लीविंग दिस तो फिर कट ऑफ पार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देन बाकी प्लेयर्स 150 पे खेल रहे हैं और आप 140 पे खेल रहे हैं, दिस शुड नॉट हैपन। तो इसको प्लीज स्पेशली कॉमर्स और आर्ट्स वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज इसको इंश्योर करिए कि ये 10 नंबर नहीं छूटना चाहिए। एंड इट इज नॉट दैट टफ, बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है अगर आप प्रैक्टिस करेंगे। रेशियो परसेंटेज टाइम डिस्टेंस सब में एक ही फंडा लगता है, फॉर्मूलाज थोड़ा बहुत अलग है। और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाइए, आपको पता चल जाएगा व्हाट दे आर आस्किंग। बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है तो इसको नहीं छोड़ सकते आप। इंडियन इकोनॉमी में आपको अराउंड 10-15 ही आता है। दैट्स इट। तो ये है, इसमें आपका मेजर एरियाज मैं हमेशा बोलता हूं आपको साइंस वाला पोर्शन जो है, साइंस एंड मैथ्स, करंट अफेयर्स एंड हिस्ट्री, ये तीन अगर आपने अच्छे से कर लिया कट ऑफ वैसे ही पार हो जाने। बाकी की चीजें आप 50% भी कर लो तो यू आर डिसेंट एनफ। सो आई वुड रियली लाइक टू थैंक शुभ्रा रंजन आईएएस फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर वट एवर आई हैड। आई होप कि ये वीडियो जो भी मैंने शेयर किया अपने एक्सपीरियंस से आपके काम आए। एंड वील बी डिस्कसिंग द माइन्यूट डिटेल्स इन द ओरिएंटेशन वीडियो। थैंक यू।